हेलो माय स्टूडेंट, फिजिक्स का क्लास थर्मल फिजिक्स और फॉर जेई एडवांस 2023-24 दोनों के लिए है। एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और ये क्वेश्चंस है 19वां नंबर थर्मल फिजिक्स से, और यहाँ पर ये IITs में 2010 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था। तो क्वेश्चंस पढ़िए और देखिए, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करके बताते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें बनेगा। तो ये एक्चुअली अटैच है, समझिए, तो प्रोसेस, और प्रोसेस में जो IIT का सिलेबस लिख रहा है वो एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, वो ज़्यादा सिलेबस में फोकस करके लिखा हुआ है। और ये स्पेशली दिखने से लग रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली आपको एडियाबेटिक का कॉन्सेप्ट पूरा जानना होगा। एडियाबेटिक के कॉन्सेप्ट में यही है कि डिफरेंशियल क्यू इज जीरो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा क्यू ही जीरो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है डिफरेंशियल क्यू, डिफरेंशियल यू, डिफरेंशियल डब्ल्यू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तब ये आएगा, यहां पुट करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है, ये तो जनरल है, हमेशा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये बेसिक है, और ये आ गया, और इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू डेल्टा यू, और ये डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो यहां पर हमेशा ये कॉन्सेप्ट चलेगा। और बहुत कुछ होगा, जैसे एक होगा पी वी गामा कांस्टेंट होता है, इसमें पी वी टी ऑल चेंजेस, सब चेंज करता है, कोई रुकता नहीं है, अस्थिर नहीं है। और जैसे आप जानते हैं कि एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, एक होता है आइसो थर्मल प्रोसेस, एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन पढ़ के समझिए, तो लिखता है कि एडियाबेटिकली और कंप्रेस किया जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम कुछ भी है मान लिया उसका, इनिशियल वॉल्यूम का लिख देते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस is VI, इनसे बोलो को VI मान लें। पहले इसका प्लानिंग समझिए, क्योंकि तो खाली बना देना मैकेनिकल से कोई फायदा नहीं है। सोचना ये था, देखिए इसमें कि जब कभी भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं और पहला स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, यहाँ क्या होगा,
पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा। और गामा यहाँ पता है कि ये डायटोमिक गैस है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी वो सब जब पढ़िएगा कंटिन्यू गैस चैप्टर में मिलता है। तो ये गामा का विदाउट प्रूफ अभी दे रहे हैं, डायटोमिक के लिए हमेशा ये होता है 7/5। नहीं याद रहे तो गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ा हुआ है डी प्लस टू बाई डी। तो अगर गामा नहीं याद है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कीजिए, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर 5 और हाई टेम्परेचर पर 7। तो कुछ नहीं देगा तो नॉर्मल टेम्परेचर सोचना है तो 5 होगा, तो जब डिग्री फ्रीडम 5 होगा तो आप 5 पुट करके देख लीजिए, 5 + 2/5 = 7/5। तो देखिए आंसर आ गया। तो कहने का मतलब बहुत लिंक है, मतलब फाइनली क्या है, आप जे एडवांस बना रहे हैं मतलब आपको खाली फार्मूला पर हिसाब कभी नहीं बनेगा, आपको डेप्थ में चाहिए प्रूफ के साथ, तभी ना आपको सोच पाएंगे। अब देखिए आगे फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है कि जो भी फाइनल क्या है कंप्रेस कर रहा है तो एडियाबेटिकली कंप्रेशन हो रहा है 132 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 132 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है पता है, वी आई है, तो इतना लैंग्वेज क्या लिखें, सीधा ये समझिए 132 ऑफ वी आई। अब यही सब जो है जूनियर क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे 6, 7, 8, 9, 10 में परसेंटेज वाला या उस टाइप से रिलेटेड कुछ भी चीज को, तो उसी को लैंग्वेज में समझिए कि शुरू में किसी के पास जो पैसा है वो वी आई पैसा था, अब बाद में खर्चा वर्चा होने के बाद कितना बचा, तो ओरिजिनल पैसे का 132। तो इसलिए वो लैंग्वेज जो अगर पहले का पढ़ा हुआ है बेसिक में तभी आप क्वेश्चन की भाषा समझ सकते हैं, नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आईआईटी का तो डेफिनेशन ही है कैसे, ये देखिए थोड़ा सा रोक के बताते हैं, आईआईटी आई का मैंने क्लास वन, और एक आई आया तो क्लास टू, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से आगे बढ़ते जाइए, जनरल किसी भी क्लास के लिए पता लगा लीजिए और उसी को एक्सटेंड करके क्लास टेन तक गया लगातार, टेन में एक जोड़िएगा 11 हो गया और एक जोड़िएगा 12 हुआ, दैट इज आईटी। मतलब 1 से 12 तक आप अगर अच्छा से पढ़े हैं तब थोड़ा सा उम्मीद है, लेकिन हम उसमें और जोड़ेंगे कि बीएससी ऑनर्स और मास्टर डिग्री, वही जो ऑनर्स वाले रहते हैं कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के साथ उनका लेवल 6th कहलाता है, और 7वां लेवल होता है जिसे मास्टर डिग्री एंड पीएचडी का नॉलेज है। तो आपका सारा क्वेश्चन बनाने का लेवल क्या है, 7वां लेवल। अगर आज मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा सामने में आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे सोचने की शक्ति अच्छी है, सोच ले रहे हैं, वही अप्रोच आपको डेवलप करना है। तो अप्रोच कैसे डेवलप होगा, 5वां लेवल में तैयारी कीजिए, जे एडवांस का तैयारी कीजिए और हमेशा जे एडवांस के बारे में सोचिए और कुछ मत सोचिए, सुबह शाम दिन रात खाली आईआईटीज और जे एडवांस और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जे में छोड़ दीजिए, सीधा जे एडवांस का तैयारी कीजिए, उसके लिए 6ठा 7वां लेवल का तैयारी कीजिए, है ना। और ग्राफ गिर भी जाए तो जे एडवांस का कम से कम 45 साल का क्वेश्चन बैंक तो बनाइए, थोड़ा लगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप ओलंपियाड का जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की किताब होती है उसको ले करके उसका भी बनाइए, वो एप्लीकेशन में 6th लेवल में काम करेगा। और फिर बीएससी ऑनर्स का किताब को भी थोड़ा खंगालिए वो थ्योरी के लिए, और अगर और हाई लेवल चाहिए तो थ्योरी के लिए मास्टर डिग्री को रगड़िए, पीएचडी रगड़िए, माने पूरा अल्टीमेट में पहुंच जाइए आइनेशन स्टेट में। और उसके बाद एप्लीकेशन के रूप में करना है तो हीरो डॉप कीजिए, इतने ही बुक काफ़ी है, और सबका ग्रैंड फादर है एप्लीकेशन में हीरो डॉप। ये देखिए किताब भी हम लेके बैठे हुए इसलिए आपको दिखा देते हैं, देखिए हीरो डॉप यही बुक है 1878, इतने क्वेश्चंस है इसी का बनाइए, बने या ना बने वही तो आपका लेवल है, ये बना लीजिएगा 7वां लेवल का ही एप्लीकेशंस हो गया, अपने आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का ही बनते जाएगा, फिजिक्स ओलंपियाड से भी ये ऊपर है, ये 7वां लेवल का एप्लीकेशंस है। और इसकी थ्योरी के लिए मास्टर डिग्री का चीज़ पढ़िए, 6ठा लेवल के लिए ओलंपियाड का एप्लीकेशन कीजिए और थ्योरी के लिए बीएससी ऑनर्स कीजिए, और वो सब नहीं कर सकते हैं
तो एक अच्छे गुरु को पकड़िए जो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन करा दे, जो 6 और 7 दोनों करा देगा। और अपने करना है 45 साल का क्वेश्चन बैंक बनाइए, और ग्राफ गिराना है तो जेई मेन का 21 साल का क्वेश्चन बनाइए, और उस चौथा लेवल हो गया जेई मेन, पांचवा लेवल हो गया जेई एडवांस, एप्लीकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, और उससे नीचे आ जाइए तो 3 लेवल में एनसीईआरटी बुक, 3 लेवल तीसरा लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों किताब पढ़िए, और उससे नीचे हो गया 2 लेवल में 8, 9, 10 में अपने अलजेब्रा ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री का ही यूज तो होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री में और सॉलिड ज्योमेट्री में भी, अलजेब्रा मेथड से ही बनाते हैं, ट्रिगो में भी आपको थोड़ा एनालिटिकली समझना पड़ेगा, अलजेब्रा ट्रिगो कोऑर्डिनेट ये सब जो चीज़ है 8, 9, 10 से आपको कवर हो जाएगा। और नीचे वाला जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन -2 से लेके +7 के बीच में, मतलब 7वां क्लास तक। तो देखिए निकल गया ये इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम V1 V2 दे दिया, मतलब अब हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, माने T1 T2 P1 P2 वाला तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि PV गामा कांस्टेंट है, लेकिन ये गैस कैसा है तो आइडियल गैस है। देखिए इस क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है, अब वो खाली सर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो आइडियल गैस तो लिख दीजिए, फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है PV = nRT। यहाँ कितना वेरिएबल दिख रहा है सोचिए तो, एक वेरिएबल दिख रहा है PV nRT, 4 वेरिएबल, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आएगा P1 V1 N1 T1 बराबर P2 V2 N2 T2 बराबर R, और अगर R हटा देंगे तो P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बस PV/T = constant, हो सकता है ना R वेरिएबल हो तब तो 4 वेरिएबल दिखाई देगा, तो इसलिए समझिए बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ सब इसके अंदर में बंद है, और एक ही फार्मूला है PV = nRT, वो भी आइडियल गैस के लिए। अगर रियल गैस में जाइएगा तो बहुत तरह का इक्वेशन आता है, क्लॉसियस इक्वेशन, बर्थलॉट इक्वेशन, ठीक है, वीरियल इक्वेशन, तो उसमें वैंडरवाल इक्वेशन जब आएगा तब उसमें आएगा P+AN²/V² V-NV = nRT, और ये किसके लिए, n मोल के लिए, अगर 1 मोल का होगा तो उससे मैं इसको कन्वर्ट कर दीजिए P+A V/N² और यहां पर n से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो प्रोडक्ट में है, एक ही में डिवाइड होगा ना, तो V-N/V और यहां हो गया RT, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम VC, एक मोल क्रिटिकल वॉल्यूम बोलना बेकार है, सॉरी ये मोलर वॉल्यूम VM, मोलर वॉल्यूम मतलब V/N कितना है, ये नहीं कि N1 मोल है, ये कितना भी मोल हो चाहे 1 मोल हो वो रेशियो को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, और इसी का स्क्वायर्स आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा VM - this, और ये भी IITs के फेमस है क्वेश्चन में, ऐसा जब लिखता है ना तो गलती से वो खाली VV लिख देता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम, और उसमें इसका यूनिट लेंगे लीटर पर मोल, खाली लीटर लीजिएगा रॉन्ग हो जाएगा, हाँ यहाँ पर खाली लीटर चलेगा, इसमें लीटर चलेगा लेकिन लीटर पर मोल चलेगा, माने यहाँ पर घी के जगह चलेगा लीटर, इसमें इसमें चलेगा घी के जगह लीटर पर मोल, ऐसे चलेगा, और फिर इसी से ये ए और बी वैंडरवाल कांस्टेंट हुआ, अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, तो इसका भी आइसोथर्मल प्रोसेस पर वर्क डन निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा कोशिश ये, कभी कभी तो ऐसा रहता है ये PDT में दिया रहता है, क्या दे देगा, P दे देगा, T दे देगा, बोलेगा भी कितना निकालिए, तो जब इक्वेशन पता रहेगा तब ना निकलेगा, अब BSc लेवल में जाएगा तो इसका प्रूफ भी होता है, तो आप प्रूफ ना भी पढ़े कम से कम फॉर्मूला जानिए, इसके एप्लीकेशन जानिए, और इसी से सॉल्व करके निकालिएगा तो आएगा मैक्सिमम मिनिमम का फंडा, अब क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ, तो आएगा क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और साथ में है क्रिटिकल कोएफिशिएंट, तो वो सब पढ़िए देखिए क्या रिलेशन होता है वो सब। तो अब आइए यहाँ पर, अब आएगा यहाँ पर कि PV/nRT है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से PV नहीं चाहिए हमको, तो VT रिलेशन चाहिए, तो P को निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा NRT/V।
ए वाला आंसर इसे पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज पी की जगह बैठा देंगे एन आर टी। देख रहे हैं क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिख के तो बनाया नहीं जा रहा है, हर फॉर्मूला जो आपको यूज होगा उसको साइड में डिराइव करना है, सोचना है और उसके बाद तब कैलकुलेशन होगा। और अभी अलजेब्रा ज्यादा यूज हो रहा है, लास्ट में अंकगणित यूज होगा। जो अंकगणित यूज हो रहा है वही तो हो गया सेवन क्लास से नीचे का लेवल, और जो अलजेब्रा यूज होता है वो एट नाइन टेन है। तो यहाँ पर आ गया पी की जगह एन आर टी बाई बी, और बी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी बी का पावर में गामा माइनस वन। देखिए आप टी का टी लिख दिए, ये ऐसे हो गया सेवन एट का फंडा लग रहा है अलजेब्रा का, अलजेब्रा स्टार्ट होता है सिक्स से, सिक्स सेवन एट नाइन टेन भरा हुआ है पांच पांच जगह अलजेब्रा। इलेवन ट्वेल्व में तो भरमार दिया हुआ अलजेब्रा, क्या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसको क्वाड्रेशन छोटा सा एक पार्ट होता है, ग्राफ भी आता है उसमें, तीसरा था सीक्वेंस एंड सीरीज एपी जीपी के अलावा समेशन सीरीज भी बहुत आता है उसमें, खतरनाक टाइप का सीरीज, और चौथा में आता है लॉग, पांचवा में प्रोडक्शन क्वेश्चन, छठा में बाइनोमियल थ्योरम, सातवां में मैट्रिसेस, आठवां में डिटरमिनेंट, नौ में प्रोबेबिलिटी, ये नॉट हुए ना नौ नतीजा पूरा देगा। एक को चैप्टर ठीक से क्लियर, इस साल देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का चार क्वेश्चन आया था मैथ में, लेकिन बना के देखिए तो बिना सोल्यूशन का तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपने बनाइएगा तब ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट रहेगा तो जरूर बना लोगे। जब आगे देखा जाए इसके आगे का काम क्या हो रहा है, तो यहाँ आ गया कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई यहाँ एन आर नीचे ला देते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अनदर कॉन्स्टेंट। तो आप इसको सोचिए टी वी कॉन्स्टेंट आ गया, तो दो स्टेट में यूज कीजिए, पहला स्टेट में क्या हो जाएगा टी आई वी आई गामा माइनस वन, टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस वन, हम लोग को निकालना है टी फाइनल, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए टी फाइनल क्या होगा, तो टी फाइनल निकालने के लिए पहले तो थोड़ा एक स्टेप और निकाल देते हैं, टी आई और आई है तो वी आई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा वी फाइनल, अब क्रॉस करने का तरीका देखिए आई आई साथ में है, देखिए आई साथ में है, आई वाला साथ में है, और यहाँ पावर में। अब ये जो काम हो रहा है सब क्या हो रहा है अलजेब्रा का यूज हो रहा है, तो जो बच्चा अगर अलजेब्रा में कमजोर है माने एट नाइन टेन में फाकी मारा है और थोड़ा सिक्स सेवन में भी अलजेब्रा है तो उसको दिक्कत होगा। आज भी देखिएगा जो बच्चा सिक्स में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स फिक्स कॉन्स्टेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं जानता है तो उसको हमेशा दिक्कत होता है। तो अलजेब्रा को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे बड़ा है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और सॉलिड ज्योमेट्री में भी और ट्रिगोनोमेट्री में भी और अंकगणित में भी और वेक्टर में भी, हर जगह यूज होता है, कैलकुलस में भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि आ जाएगा टी फाइनल कितना हो गया, तो टी फाइनल आ गया वी आई वी एफ। देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कि हम कहीं भी मतलब वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने समय में जो पढ़े हैं अलजेब्रा वो ड्राइवेशन का यूज कर करके ला रहे हैं, और लास्ट में एक बार कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होगा, आप क्रॉस चेकिंग में यूनिट डायमेंशन से भी बीच बीच में चेक कर सकते हैं और मिस्टेक कम होगा। और हर स्टेप में आप मान लीजिए कोई कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है, अभी क्या करता हूँ हर स्टेप में न्यूमेरिकल बैठा रहा है, हर स्टेप में कैलकुलेशन करते 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 मैं आप फंसते जा रहे हैं। पांच जगह कैलकुलेशन करने का जरूरत क्या है, एक ही जगह कैलकुलेशन करोगे, इसलिए हमेशा अलजेब्रा कैलकुलस वेक्टर को सब का यूज कीजिए। तो आगे देखते हैं, अब इसका आ गया टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल कितना है, तो टी इनिशियल तो टी इनिशियल ही है, और वी आई कितना है इनिशियल वॉल्यूम वो तो वी आई है, फाइनल वॉल्यूम कितना है तो अभी निकाल लेते वी आई बाई 32 पावर में कितना है गामा अभी बता दिए थे 7/5 तो माइनस वन आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/5 आई आ गया सॉल्व करके 32 तो टी आई और यहां आ गया इस कोफिशिएंट कांस्टेंट को पहले लिखेंगे 32 होल टू दी पावर ये आ जाएगा 7 माइनस 5 2/5
ये कोफिशिएंट हो गया और साथ में इसका जो टी आई हुआ इधर लिख देते हैं। हमेशा कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखा जाता है और वेरिएबल्स को जो है बाद में लिखिए। अब इसको सॉल्व करना है तो आ गया 8 क्लास का कांसेप्ट। कैसे, दोनों में से किसी को अंदर ला देंगे तो 32 के पावर में ला देंगे 1/5 और ये हो गया 2। सबको पता है कि 32 को 2^5 लिख सकते हैं, तो जब ये 2^5 लिखेंगे तो ये 5/5 कट जाएगा, 2^2 हो जाएगा, तो 4TI। लेकिन हम लोग का कितना दिया हुआ था, ATI। ये ATI है, बराबर कर दीजिए तो देखिए A निकल गया 4। तो इस तरह से A=4 इसका यहाँ आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं था, खाली जानना था कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसका मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट होता है, और उसी कंसेप्ट का एक पीवी गामा कांस्टेंट था, पीवी नहीं दिया था तो वीटी रिलेशन लाना पड़ा और उसी में पुट कर दिए, थोड़ा अलजेब्रा का यूज हुआ, सॉल्व करके आंसर आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत प्रैक्टिस लगातार 45 साल का क्वेश्चन बनाते रहिए तो लेवल 5 दो साल तक, जो 11-12 वाले हैं, 2024 वाले जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको 2 साल तक लगातार लगातार बनाते रहेंगे तो आपका लेवल बना हुआ रहेगा। और 2023 वाले हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है ये, क्योंकि उनको तो 1 साल में 2 साल का कोर्स को कंप्लीट करना है। इसलिए 2023-2024 दोनों के लिए ही जे एडवांस का तैयारी कीजिए, और जे एडवांस का तैयारी कीजिएगा तो IIT तो ऐसे ही हो जाएगा, माने NIT का खासकर JEE में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए 2 साल तक, और जो 2023 वाले 1 साल तक, और रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।